हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना आफ्टरनून रूटीन। बेसिकली डे इन माय लाइफ शूट करना था मुझे, बट मॉर्निंग्स में इतना ज़्यादा बिजी रहता है सब कुछ, तो फिर इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आफ्टरनून से शुरू करती हूँ। अभी आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क, सो आई जस्ट थॉट आई विल शेयर अ डे इन माय लाइफ विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन, तो अभी बस मैं काम से आ गई हूँ। मेरा जो ऑफिस है ना, मतलब बेसिकली कॉलेज, तो अगर आप लोग नहीं जानते, सो आई एम अ इंस्ट्रक्टर कहते हैं यहाँ पे टीचर्स को जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। सो आई एम अ बिजनेस इंस्ट्रक्टर एंड बस मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। बहुत कॉमन है यहाँ पे कि आप मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ाओ, क्योंकि शिफ्ट्स होती है ना, जैसे मॉर्निंग बैचेस या इवनिंग बैचेस, आफ्टरनून बैचेस। तो इस हफ्ते मेरा सिर्फ मॉर्निंग बैच था, तो ये हफ्ता काफ़ी रिलैक्सिंग था, रिलैक्सिंग है। अभी आज वेंसडे है, सो बेसिकली यू नो 1 बजे तक ही होती हैं क्लासेस। तो अब मैं घर आ गई हूँ, घर जा रही हूँ। और आज अमिश और युवराज कहीं गए हुए थे, उनको कुछ थोड़ा काम था, तो मैं अकेले ही मैं अकेले ही होंगी अभी घर पर। तो मॉर्निंग में मैंने चीला खाया था, और अभी जाके मैं फटाफट से आपको दिखाऊंगी मैं इस मॉर्निंग में प्रेप करके आई थी, क्योंकि शाम को जब आते हैं, मतलब दोपहर में जब आते हैं, तो एकदम भूख लग रही होती है। सो इसलिए जाते ही बस बना लूँगी। एंड और पता है आज क्या हुआ, हमारे पास 2 कीज़ हैं, जिसमें से एक की एज ऑलवेज मेरे से मिसप्लेस हो गई है कहीं पर। मैं अपने मैनेजर को बोलने वाली हूँ, उसको कॉल करूँगी गेट से, फिर वो मैनेजर शायद डोर ओपन करेगा, देखते हैं क्या होता है। और बस लेट्स सी कि क्या क्या करते हैं आज दिन में। और गाइस, अगर आप कपड़े देख रहे हो, तो ये अभी मौसम, मतलब सितंबर एंड कहूँगी मैं, हाँ सितंबर एंड चल रहा है, लेकिन ठंड हो गई है, क्योंकि ना जैसे अभी धूप भी निकलती है काफ़ी, तो मैं ऐसे ही चली जाती थी कई बार कि यार धूप है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लगती है फिर, इसलिए मैं प्रॉपर यू नो ऐसे विंटर वेयर पहन के जाती हूँ। हाथ दर्द हो गया पकड़ कैमरा पकड़े पकड़े। सो बस यही है, पीछे आप वो सुन रहे हो एम्बुलेंस की आवाज़। बस आ गई हूँ घर अब, क्योंकि चाबी नहीं है, तो यहाँ पे इंडिया में भी होता है ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसको फ़ोन करने वाली हूँ, तो वो मुझे दरवाजे का एक्सेस दे देंगे। सो ये वेटिंग फॉर आंसर। तो अब बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस गिवन, तो मैं दरवाज़ा खोल लूँगी फिर। उसमें शायद आ गया एक्सेस गिवन, ये खुल गया दरवाजा। बस और हमारे गेट पे मैंने लगाया हुआ है इट्स सो गुड टू बी होम एक्चुअली। सो बस चलते हैं घर के अंदर। तो घर की हालत थोड़ी ख़राब ही है, बर्तन फैले हुए हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे, क्योंकि सुबह जब जाते हैं ना तो फटाफट भाग के चले जाते हैं। मेरा पूरा बाथरूम में ऐसे मेकअप का सामान सारा फैला हुआ है। देखते हैं, करते हैं सब कुछ ठीक से। सो पहले मैं चेंज करके आती हूँ। और गाइस, चेंज करने से पहले मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना था। सो आई जस्ट वोर दिस क्रीम कलर स्वेटर, ये ना बहुत पतला सा है तो इस वेदर के लिए परफेक्ट है, और उसके ऊपर एक जैकेट, क्योंकि थोड़ी हवा चलती है तो ठंड लगती है। और ये ट्राउजर्स मुझे बहुत पसंद है, ये रीट पैंट्स के हैं। यहाँ पे मुझे फॉर्मल ट्राउजर्स ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो वो मैं आपको लिंक कर दूंगी नीचे। और गाइस, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया अरेंज करने में अपने कपड़ों को। सो ये वाला जो स्टैंडिंग रैक है ना, दिस इज सो फंक्शनल। पूरे जो मेरे को ऑफिस से पहनने होते हैं या जो भी कपड़े होते हैं ना, मैं इस पे रखती हूँ, निकलने में बहुत इजी रहता है। और ये फैन है, ये एक मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स था, इसमें मैंने अपने कपड़े रखे हुए। थोड़ा सा उसको मैं भी थोड़ा सा इस रूम को भी ना मैं मेकओवर करूंगी। तो ओके गाइस, मैंने चेंज कर लिया है, अब थोड़ी देर रिलैक्स करने का मन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मुझे है कि एक बार मैं खाना रख दूँ, उसके बाद रिलैक्स करूंगी। और यूवी और अपडेट ये है कि यूवी और अमिश गया मैं बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो गए हुए हैं दोनों हैप्पी सिंह ईट्स पे, और वहां पे खा रहे हैं छोले भटूरे।
बट यू नो टाइमिंग थोड़ा ऐसा था कि हम तीनों साथ नहीं जा पाए, और इनफैक्ट अच्छा ही हुआ नहीं गए तीनों साथ. अगर तीनों साथ होते तो प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जाते और प्रॉपर बहुत सारा खाना खा के आते, और जो कि मेरी डाइटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. और वैसे एक अपडेट ये है कि आज मेरे को मेरे ट्रेनर ने एक पर्सनल प्लान दिया है एक्सरसाइज का, तो कल से मैं आपके साथ अपना जिम रूटीन भी शेयर करूंगी. एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी हो रहा होता सब कुछ कि शूटिंग का टाइम नहीं होता, बट मैं कल से ट्राई करूंगी. और चलिए बस अब मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया है. वैसे मतलब अमिश तो पूरा घर लिटरली हाफ आवर में ठीक कर देता है, मतलब फटाफट से, सीरियसली. तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ, ऐसे सामान फैला फैला होता ना सारा, बट अमिश इज लाइक काम डाउन, गिव मी हाफ एन आवर और हाफ आवर में सब कुछ सेट. तो इसलिए मैं अपने आप को काम डाउन कर रही हूँ. थोड़ा सा ये होता है जब अमिश नॉर्मली जब घर पे होते हैं तो जब मैं आती हूँ घर एकदम चमक रहा होता है, बट हाँ जिस दिन नहीं होता अच्छा उस दिन मेरा मूड ऑफ हो जाता है. बट कोई बात नहीं, मूड ऑफ नहीं करना. चलिए चलते हैं अब. मैं सुबह जो है सांभर की प्रेप करके गई थी, तो वो आपको दिखाती हूँ. इसमें थोड़ा सा और पानी डालती हूँ. सो ये ठीक हो गया रखा, इसलिए इसमें मैंने डाल दिया पानी. सुबह ऐसे ही मैं बस रफली चॉप करके चली गई थी, और बट ठीक है दाल ऑलमोस्ट बॉइल्ड है. तो बेसिकली मैंने इसमें क्या किया था, अरहर की दाल डाली थी और सारी वेजीज जो भी मेरे पास थी, गाजर, बैंगन, ग्रीन बीन्स और स्क्वॉश, स्क्वॉश बोले तो सीताफल टाइप, उसको मैं नमक और हल्दी लगा के विसल लगा के चली गई थी. इसमें अभी थोड़ा सा और इसको पका लेती हूँ. सो बस मैं इसको अभी इसमें सीटी लगा रही हूँ, और साथ के साथ अब बस हमें तड़का रेडी करना है इसका. मैं ग्लूटेन फ्री ब्रेड खा रही हूँ आजकल, मेरे को डाइटिशियन ने वो बोला है. तो मैं अगर अमिश और यू भी घर पे होते तो मैं इडली बनाती, अभी नहीं बनाऊंगी इडली, रात को बनाऊंगी. तो अभी बस सांभर में तड़का लगा के आई हैव इट विद द ब्रेड एंड आई एम डन फॉर द लंच. चलिए तड़के के लिए मैं रेडी कर लेती हूँ सामान. डिश वॉशर में से निकालती हूँ सबसे पहले पैन, उसे शेयर करनी है मुझे. मैं आफ्टरनून में मतलब बिफोर लंच ही लेती हूँ मरीन कॉलेजन. ये कॉलेजन पाउडर है अगेन, मैं ये चीजें कभी भी विदाउट रिकमेंडेशन नहीं लेती, तो मुझे मेरी डाइटिशियन ने रिकमेंड किया इसलिए मैं मरीन कॉलेजन ले रही हूँ. और स्पेशली जो हम लोग इंडियंस हैं उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. इसमें दो आते हैं, एक मरीन और एक बोवाइन. मरीन मीन्स जो फिश या सी एनिमल से डिराइव होता है, और बोवाइन होता है जो कि काउ या बफलो से होता है. तो बी केयरफुल अगर आप यू नो रिलीजियस पर्पसेस की वजह से वो चीजें नहीं कंज्यूम करना चाहते. सो बेसिकली बस मैं ये कॉलेजन हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है एंड बेली फैट को भी बर्न करता है. तो मैं 1 स्कूप लेती हूँ इसका और इसको पानी में मिला देती हूँ बस. एंड एक चीज और मैं करती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना इसमें थोड़ा सा कहाँ गया, हाँ टैंग मिला देती हूँ. ये गैस, ये टैंग ड्रॉप्स है, बहुत अमेजिंग है. सो इट्स नॉट पाउडर बट इट्स फ्यू ड्रॉप्स. तो मैं इसमें थोड़ा सा टैंग के ड्रॉप्स मिला लेती हूँ, तो उससे पीने लायक हो जाता है, वरना बहुत गंदा लगता है. इसको मिक्स कर लेती हूँ. अब देखो करना तो पड़ता ही है ना स्किन के लिए काफी कुछ. इट्स ओके. थोड़ा अजीब ही है बट ठीक है. तो चलिए अब हमें तड़के के लिए क्या लेना है, प्याज, टमाटर, इमली, लेट्स सी. तो अब गाइस मैंने क्या किया है, पैन ले लिया है एक, और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल. ये सब चीजें होगी ना जैसे सांभर या आपकी कढ़ी और ये सब चीजें, आलू गोभी, ये सब चीजें मैं बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में. बाकी सारी सब्जियां मैं बनाती हूँ देसी घी में. वी डू नॉट यूज एनी सीड ऑयल, कोई रिफाइंड ऑयल कुछ नहीं, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और देसी घी, दैट्स इट. सो बस मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल. ठीक है गाइस, किचन अभी गंदी है थोड़ी सी, बट ठीक है अब इसको बनाने के बाद ही ठीक करेंगे. डेली व्लॉगिंग में यही होता है रियली. सांभर में सबसे इम्पोर्टेंट होती है मस्टर्ड सीड्स. प्याज डाल दूंगी, ये मैंने डाला जिंजर, ये स्लटर की आवाज सुन रही बहुत मस्त है. जिंजर डाल दिया मैंने, फटाफट से मैं डाल दूँ वरना मैं हमेशा ग्रेट करके डालती हूँ.
बता जैसे ही डाल दिया। मुझसे कोई पूछता है ना कितना कितना कुछ नहीं होता अंदाजा, तो इसलिए आप देखोगे मेरे स्पाइस रैक में कुछ भी चम्मच नहीं है, मेरा जितना मन करता है वैसा डाल देती हूँ। तो दिस इज देसी स्टाइल की डिश। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा किचन किंग सांभर मसाला। मैंने देखा सांभर मसाला से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे पास है तो मैंने इसे डाल दिया। ये मैंने इमली का पानी बना लिया, गर्म पानी में इमली को बस डाल दिया था और अब इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। सो बस इसको पकने देना है, ये रेड पक जाएगा तो इसको इसमें सांभर में ट्रांसफर कर देंगे। ओके गाइज, अब जब तक वो सांभर उधर हो रहा है ना मैं ये करूँगी क्लीन। मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना बर्तनों से देख के या किचन ऐसे गंदी देख के, तो मैं फटाफट से करने वाली हूँ। सो गाइज इन द मीन टाइम ये देखो सांभर को मैंने बॉयल दोबारा कर दिया ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सारी सब्जियां वगैरह अच्छे से मैश हो गई। अब ये जो तड़का है हमारा ये मैं सिखा रही हूँ, इसे मैं इसको पका लेती हूँ ताकि ये थोड़ा मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। और गाइज मैं ऐसे थोड़ा सा कुछ एक सीरीज देख रही थी, गाइज ये वाली जो है ना ये ग्रेनोला बार है नेचर्स वैली की, जो लोग कनाडा में है ना दिस इज सो अमेजिंग सो गुड, मेरे लिए तो इररेजिस्टिबल है। मेरे डाइट प्लान में मुझे खानी होती है शाम को, जैसे जिस टाइम भूख लगती है ना शाम को लंच के बाद, बट मेरे को इसका टेस्ट बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। बट एनीवेज अभी देखते हैं सांभर रेडी हो गए, सांभर ट्राई कर। देखो गाइस सांभर का कलर चेंज हो गया ना, पहले एकदम येलो येलो सा था, अब काफ़ी एकदम अच्छा डीप येलो टाइप हो गया। ये देखो गाइस, और मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं खाऊंगी, मैं सोफे पे खा रही हूँ, सॉरी। बट सो गाइस ये मेरी गंदी आदत है थोड़ी सी, मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं खाती खाना, मतलब जब अमिश वगैरह सब होते हैं तब मुझे अमिश ज़बरदस्ती डाइनिंग टेबल पे ही मतलब खाने नहीं देते सोफे पे, बट अभी कोई नहीं है तो मैं सोफे पे आराम से खाऊंगी। और मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ अभी, जोगी करके जो सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे वो देख रही हूँ, तो चलिए इंजॉय करते हैं। हाय यूवी, व्हाट आर यू डूइंग? सो गाइज ये हैं यहाँ के कैनेडियन बच्चे। सो बेसिकली आज एक्चुअली ना क्या है, जैसे आजकल के बच्चों में आप देखोगे विटामिन डी, अच्छा ये है विटामिन डी नहीं, यहाँ पे कनाडा में ना विटामिन डी बच्चों को देना ही होता है, एडल्ट्स को भी लेना होता है। तो अगर आप कनाडा में हो आपको नहीं पता पैरों में दर्द हो रहा है तो प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर जो होता है, क्योंकि विटामिन डी आपको लेना ही है। तो यूवी की डोज का मुझे जैसे पता करना था कि अब वो ही डोज रहेगी छोट कम वाली या बढ़ानी है, तो इसलिए ब्लड टेस्ट करवाया था, रेगुलर ब्लड टेस्ट था, टच वुड ऐसा कुछ नहीं है, भगवान आई होप कुछ नहीं हो। तो बस उसके लिए कि डोज क्या करनी है विटामिन डी की, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट था, मैं बहुत डरी हुई थी बट इट वेंट फाइन, ही सेड ही क्राइड अ लिटिल बिट, आई नो वो थोड़ा सा एक होता ही ना पिंच होता होगा जब, तो गाइज ये है। और अभी बस मैं अपनी अगेन सीरीज देख रही हूँ, और क्योंकि सांभर बना हुआ है बस इडली बनानी है मुझे, वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। ओके गाइज, तो अब मैं इडली की प्रेप कर रही हूँ, और इडली के लिए बस कुछ नहीं करना, एक बोल में ये देखो सूजी है, ये तो सूजी मैं थोड़ी सी डालूँ, मैं कुछ भी ना मेजर करके नहीं करती, मैं बस अंदाजे से करती हूँ, तो जितनी मेरी फैमिली के लिए मुझे चाहिए होती है, मतलब एक दो बार बन जाती है, थोड़ी सी मैंने सूजी डाल दी है। ये सूजी है और ये दही है, ये दही में हम घर में ही जमाते हैं तो वही दही है ये, और बस इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। एक्चुअली एक हाथ से ना काम हो नहीं रहा था तो बस मैं दही इसमें डाल रही हूँ, और ये दही डाल के अभी बस इसको ऐसे मिक्स करके अच्छे से रख देना है, कुछ अभी करना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इसको टाइम आधे घंटे के लिए छोड़ना है, और मैं इसी टाइम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से जो है सूजी फूल जाए। और गाइस बस आधे घंटे के बाद इसको देखना है, और जितना आपको इडली में जितने प्रोडक्ट की इडली बनानी है उसमें इनो डाल दो, इनो के ऊपर थोड़ा सा ऐसे पानी स्प्लटर कर दो ताकि वो फूल मतलब जाग आ जाए उसमें, फिर इसको मिक्स कर दो, इसको रखना नहीं है फिर,
इसको बस अब मिक्स करके अच्छे से इसको फटाफट से जो इडली मेकर है उसमें उस इडली मेकर को पहले ग्रीस करके उसमें डाल। देखो गाइस, ये है हमारा इडली सांभर, बन गया था इडली। अब बस यूवी को खिला रही हूँ इधर। आर यू लाइकिंग द इडली? सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। सुपर टायर्ड हूँ और अभी बस रमेश थोड़ी देर में आने वाला है, फिर रमेश खाना वगैरह खाएगा और फिर बस अब हम सोने वाले हैं। सुपर टायर्ड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो कीजिए लाइक, और डेली व्लॉगिंग में बहुत मेहनत लगती है, पूरे दिन शूट करना पड़ता है, सो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए शेयर। गुड नाइट।